घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट्री। उसको समझता क्या? आखिर कौन है धनंजय? किसने किया जक्का रेड्डी का रोल? कौन बनी है फिल्म में शीनू की पत्नी? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक खास और नई वीडियो में, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं, ये डायलॉग और श्रीवल्ली और सामी सामी गानों से लोगों के बीच छाई पुष्पा ने हिंदी बाजार में 80 करोड़ की कमाई कर ली है। OTT पर भले ही ये आ चुकी है, लेकिन दोस्तों अभी भी बॉक्स ऑफिस पर इसका जलवा बरकरार है। रिलीज हुए तो इसे 1.5 महीना बीत चुका है, लेकिन दोस्तों आज भी लोगों के दिलो दिमाग में किसी न किसी रंग रूप में छाई हुई है। अल्लू अर्जुन के अलावा फिल्म में विलन का किरदार निभाने वालों का भी जवाब नहीं था। एक से एक धुरंधर, मतलब जहां फिल्म में एक या दो विलन होते हैं, वहां इस फिल्म में KGF 1 की तरह ही 5-6 विलन की टोली तैयार थी। लेकिन इनका रील और रियल लाइफ का क्या इतिहास रहा है, जानने के लिए हमने इंटरनेट पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया, और उस दौरान हमें कुछ के बारे में ऐसी ऐसी बातें पता चली जिसे जानकर माथा चकरा गया। तो चलिए आपके साथ भी हम बारी बारी उनके बारे में बताते हैं। पहला आता है धनंजय उर्फ जॉली रेड्डी। पुष्पा में विलन के किरदार में नजर आए धनंजय उर्फ जॉली रेड्डी को अय्याश और लड़कीबाज दिखाया गया है। उन्हें शराब और शबाब का बहुत शौक है, मतलब इन्हें ये दोनों ना मिले तो इनकी रातें कटती नहीं है। अपने दो बड़े भाई के आगे पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन कारोबार में कोई खास दिलचस्पी नहीं रहती है। असल जिंदगी की बात करें तो धनंजय कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के साथ साथ थिएटर एक्टर भी हैं। 2013 में इन्होंने डायरेक्टर स्पेशल से डेब्यू किया था और उम्दा परफॉर्मेंस के लिए SIIMA अवार्ड से नवाजा गया था। हालांकि दोस्तों पुष्पा के पहले इन्होंने डायरेक्टर दुनिया सूरी की फिल्म टगरू में भी विलन का रोल निभाया था और अपने अभिनय से खूब पॉपुलैरिटी हासिल की थी। दूसरे नंबर पर है सन्मुख उर्फ जक्का रेड्डी। ये फिल्म में जॉली के बड़े भाई बने हैं। इन्हें सबसे ज्यादा दिमागदार दिखाया गया है। बताया गया है कि कारोबार का सारा हिसाब किताब यही रखते हैं। एंट्री जब होती है तब इनका भौकाल थोड़ा टाइट और दिमाग शांत दिखाया जाता है। समय समय पर ये दर्शकों को विलन होने का एहसास कराते रहते हैं। रियल लाइफ की बात करें तो सन्मुख विशाखापट्टनम में जन्मे हैं। इन्होंने टॉलीवुड इंडस्ट्री में काम किया है, हालांकि इनके बारे में जानने के लिए कुछ ज्यादा पढ़ने और देखने को नहीं मिलता है। तीसरे नंबर पर आते हैं अजय घोष उर्फ कोंडा रेड्डी। जॉली और जक्का के सबसे बड़े भाई बने कोंडा रेड्डी को फिल्म में सबसे खतरनाक विलन दिखाया गया है। इनके लिए फिल्म में अपनी जान से ज्यादा दुश्मन से बदला लेना जरूरी होता है, इसी वजह से वो बदला लेते लेते अपना एक हाथ भी गवा बैठते हैं, और फिल्म के आखिरी में इन्हें इनके राइवल्स मार गिराते हैं। रियल लाइफ की बात करें तो इन्होंने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काफी नाम कमाया है। 2004 में इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। कई अच्छी फिल्में करने के बाद 2010 में इन्होंने भोजपुरी सिनेमा में भी अपना हाथ आजमाया था। दोस्तों चौथे नंबर पर आते हैं मंगलम शीनू उर्फ सुनील। पिछले तीनों विलन का इन्हें फिल्म में बाप दिखाया गया है। इनका नाम सुनते ही सभी स्मगलर्स कांपने लगते हैं। इसके खिलाफ कोई नहीं जाता था, जो ये बोलता था उसको बेरहमी से मार दिया जाता था। बता दें दोस्तों कि फिल्म में इनका लुक काफी बदला गया है। स्किन टोन डार्क और आंखों में लेंस लगाए हुए सुनील को एक खूंखार किरदार में पेश किया गया था। रियल लाइफ की बात करें तो सुनील भले इस फिल्म में विलन बने हो, लेकिन तेलुगु ऑडियंस के लिए एक कॉमेडियन भी है, जो अपनी फिल्मों में अपने किरदार से उनका मनोरंजन करते आए हैं, क्योंकि ये पहली दफा है जब वो नेगेटिव रोल करते दिखाई दिए हैं। दोस्तों पांचवें नंबर पर आती हैं दक्षायणी उर्फ अनसुईया भारद्वाज। अनसुईया फिल्म में शीनू की पत्नी बनी है, जो कारोबार के प्रति एक्टिव रहती है। इनके लिए भी फैमिली फ्रेंड से ज्यादा बिजनेस जरूरी होता है। थोड़ी सी गड़बड़ी होने पर फिर ये किसी को नहीं देखती है। एक बार तो इन्होंने अपने पति शीनू की ब्लेड से गर्दन तक काट दी थी। हालांकि दोस्तों पार्ट 1 में इनका लुक सेठानी वाला रहा है, लेकिन दोस्तों आने वाले पार्ट 2 में ये एक अहम किरदार में नजर आ सकती हैं। रियल लाइफ की बात करें तो अनसुईया भारद्वाज ने तेलुगु में कई टीवी शोज और फंक्शंस होस्ट कर पॉपुलैरिटी हासिल की है। तेलुगु टीवी की ये एक फेमस एंकर है। फिलहाल ये नागार्जुन के साथ अपनी अगली फिल्म का काम कर रही है। तो कैसी लगी आपको रियल लाइफ विलन की रियल लाइफ कहानी, हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। साथ ही बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। खुश रहिए और सेफ रहिए। हमारी आज की राइटर हैं मनीषा जैन।